नमस्कार, मैं हरबंश नागर के कैमरा मैन हमारे मुकेश भारद्वाज के साथ आज मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेंद्र बुटियाल जी के पास है महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से आपने यहाँ कमान संभाली है, पहले जैसे करते रहे हैं, उसमें यूनिक से एक से एक नए एग्जांपल आप नया मिसाल दे रहे हैं। आज के दिन दर्शकों से डॉक्टर नरेंद्र बुटियाल साहब इस मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नाते से गांधीनगर अस्पताल में कई नए आयाम आए हैं जो पहली बार इतिहास बन रहा है, वो भी दर्शक जानना चाहेंगे। कुल मिलाकर जब से आपने कमान संभाली है, मैंने बदलाव देखा है, आपकी नज़र में वो बदलाव क्या क्या आए हैं? सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने ऑडियंस को जय हिंद से सत्कार करता हूँ। मैं जो भी कहूँगा वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ और वो मैं अपनी टीम के जरिए कह रहा हूँ जो यहाँ काम करते हैं, क्योंकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंटरव्यू तो देते हैं बट वो उस दम पे देते हैं जब उनकी टीम अंदर काम कर रही होती है। तो मैं उनको साथ लेके जो भी कहूँगा उसमें बदलाव तो मतलब कह सकते हो आप, बट ये सारा पहले से ही स्ट्रक्चर्ड था जो हमने उभारा है। हमने फोकस जो गवर्नमेंट का था, जो हमारे हेल्थ सेक्टर, हमारा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सेक्रेटरी साहब या हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू जो चाहते थे कि जैसे हमारी पब्लिक हेल्थ की जो डिमांड्स हैं वो हम फुलफ़िल करें, बीइंग ए सेंट्रलाइज हॉस्पिटल और एक बिल्कुल मध्य जम्मू में है और सेंट्रलाइज है और रेफरल हॉस्पिटल भी है और बड़े अच्छे डॉक्टरों, नामी गरामी डॉक्टरों के साथ सजा हुआ अस्पताल है। तो उसमें सिर्फ हमने थोड़ा सा सोच का बदलाव किया है, जिसमें कि हमने जो हमारी प्रायोरिटीज़ थी उनको रीथिंक करके, उसको रीशेड्यूल करके उसको इन फ्रंट किया है। जैसे हम आपको आप भली भांति जानकार हैं कि जेरेट्रिक पॉपुलेशन जो हमारी ओल्ड एज ग्रुप है, वो डेमोग्राफिक जो इन्वर्जन, जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है फ्रॉम यंगर एज टू ओल्डर एज और ओल्डर एज थोड़ी लोनली तरफ भी जा रही है, उसमें हमने कुछ कदम उठाए, उनको प्रायोरिटाइज किया। उसमें हमने एक सेकेंड इनिंग क्लब भी बनाया है, हर सैटरडे को हम उनसे उनके साथ बैठते हैं, जितने भी बुजुर्ग हमारे यहाँ आते हैं हम उनके आभा कार्ड्स, आयुष्मान भारत के डिजिटल मिशन के तहत एक प्रोसेस है, उनका हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड हम बना के उनको देते हैं। उसके बाद उनको पर्ची के लिए क्यू में नहीं खड़ा होना है, वो कहीं भी किसी भी कमरे में उस कार्ड, उस यूनिक आईडी से अपना इलाज करवा सकते हैं। उसी तहत हमारा एक नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम जो आज रैम्पर्ट है, मैनेस बन चुका है सोसाइटी का, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, उन पेशेंट्स को हम फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल एज ग्रुप। यह ऑल एज ग्रुप। इसके अलावा हमने क्या किया है कि आज किसी भी कारणवश में भी एनवायरमेंटल रीज़न और जो पोल्यूशन जिसके कारण हम बैडली हिट हैं, या जो हमारे खाने पीने का स्टाइल बदला है, हमारा कल्चरल चेंजेस जो हम सूडो मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल, यंगर एज ग्रुप हो, ओल्डर एज ग्रुप हो, शरीर की दर्दों से बड़ा परेशान है, तो उसकी राहत के लिए हमने फिजियोथेरेपी सेंटर को एक्सटेंड कर दिया। हम लोग अपना फिजियोथेरेपी सेंटर 9 बजे स्टार्ट करते हैं और हम उसको एक्सटेंड करते हैं 6 बजे तक, 9 AM टू 6 AM। हाँ जी, PM। हाँ जी, बिकॉज ये हमारी बात दर्शकों को पता लग रही है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी आदमी अपने टाइम के हिसाब से हमारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाए, वो आधा घंटा एक घंटा हमारे पास रहे, हम उसको कुछ ऐसे गुण देंगे जो रिपीटेडली घर में करे, सो दैट वो स्वस्थ रहे और आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। इसके अलावा हमारे जो दिग्गज डॉक्टर हैं, नामी डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स, चाहे वो फिजिशियन हैं, चाहे वो पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, चाहे न्यूरो फिजिशियन हैं, आपको पता ही है सर कि हमारे यहाँ पर 2 सुपर स्पेशलिटी OPDs चलती है, एक न्यूरो की और एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की। वो सब लोग डॉक्टर यहाँ 7 से लेकर रात को 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, किसी भी को उस वक्त उनकी ज़रूरत हो तो वो आके उनको मिल सकते हैं यहाँ पर, उसकी हम बीच बीच में ऐड भी देते हैं। और इसके अलावा हमने फेस लिफ्टिंग करने की कोशिश की है अपनी इमरजेंसी की। इमरजेंसी और रजिस्ट्रेशन 2 ऐसी जगह होती हैं यहाँ से पेशेंट का आना होता है, अगर वो दोनों जगहें कंफर्टेबल हों, दोनों जगहों पे ऐसा माहौल हो कि उसको लगा, उसको ये लगे कि हाँ मैं ठीक जगह पहुँच गया, अब शायद मैं बच जाऊँगा या मैं ठीक हो जाऊँगा, तो आधा इलाज उसका एंट्री में हो जाता है। तो हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी टीम का फोकस इसी पे है कि हम अपनी इमरजेंसी को अपग्रेड करें,
और साथ में जो हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है या रजिस्ट्रेशन का तरीका है उसको और सिंपलीफाई करें। अब अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो कि एक हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में जाएं, हमें पेपर वर्क से छुटकारा मिल जाए, उसके ऊपर हम जा रहे हैं। हमारी फैसिलिटी जो है गांधीनगर हॉस्पिटल अंडर हॉस्पिटल फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन आईडी बन चुका है हमारा। हमारे जितने प्रोफेशनल्स यहाँ पर हैं, फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर टू द सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट, सबकी प्रोफेशनल आईडी बन चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, आभा कार्ड्स। उसमें हमने पहला फोकस, जैसे मैंने बताया, हमने अपने सीनियर सिटीजन्स को दिया, सेकेंड इनिंग क्लब को दिया। इसके अलावा सर मैं बता दूं कि हमारी सीनियर्स या हमारे सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और DHS की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है एंड स्टेज की जो मदद करने के लिए, पैलिएटिव केयर। वो ऐसी एक प्रथा यहाँ शुरू कर रहे हैं हम, जिसके लिए हमने पहले तो एक वार्ड डेडिकेट की है, दूसरा हम उसमें होम विजिट्स के लिए भी तैयार हैं, तीसरा हमारे पास एक टीम है जो ट्रेंड है उस जो ऑनरेबल एंड देने के लिए, पेनलेस एंड देने के लिए। आपको पता है कैंसर रैम्पट है, कैंसर इतना ज़्यादा फैल गया है, और शायद वो इसलिए भी ज़्यादा उभर के आ रहा है क्योंकि हमारी डायग्नोस्टिक टेक्निक अच्छी हो गई है, हमारे डॉक्टरों के स्किल बहुत अच्छे हो गए हैं, और उसके कारण जब आ रहा है तो इलाज भी अच्छा हो रहा है, पर कई बार इलाज के साथ साथ में वो उस स्टेज पे भी चले जाते हैं या उसका इलाज नहीं होता, तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। तो उस तकलीफ को ख़त्म करने के लिए, जिसको हम पैलिएटिव, नेशनल पैलिएटिव प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिसके हम नोडल एजेंसी हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर हैं वो उसके नोडल ऑफिसर हैं, हमारे यहाँ एक वार्ड है 10-bedded जो हमने डेडिकेट कर रखी है कि ऐसे कोई आए, और हमारे पास वो आते हैं। इसके अलावा पेन एक बहुत बड़ा इशू है सोसाइटी में, किसी भी किस्म की न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलर या किसी भी किस्म की पेन हो, उसका पेन क्लिनिक हमारा सेपरेटली चल रहा है सर। ऑफ लेट हमने अब एक और सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, अभी वो सब्जेक्ट बिल्कुल नया है बट वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिहैबिलिटेशन के लिए। बेसिकली हमारी सर्जरीज तो होती हैं, हमारी नी रिप्लेसमेंट तो हो जाती है, हिप भी हो जाती है, शोल्डर भी हो जाता है, बट उसको आगे चलाना कैसे है उसमें थोड़ी सी गुंजाइश रह जाती है, और आदमी पूरी अपनी नेचर तो नहीं वापस आती है, पर कोशिश कर सकते हैं कि उसको हम पूरा नॉर्मल कर लें, सो दैट उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो वो आसान हो जाए और पेन फ्री हो जाए। तो उसमें एक फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन का सेंटर हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमने उसको टोटली जेरेट्रिक के लिए किया है डेडिकेट, बट आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी वर्कशॉप भी बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्लिपर्स तैयार करेंगे, ऑर्थोटिक्स स्पोर्ट्स तैयार करेंगे, सो दैट जो भी हमारे पास आए जो उसको चाहिए, जैसे बो हो जाती है लेग्स, बिल्कुल लेग्स अंदर को चली जाती हैं, आप देखते होंगे डिफॉर्मिटीज कहते हैं हम इनको, एड़ी में बहुत दर्द होती है, पैर नीचे नहीं लगता है, शुगर डायबिटीज थायराइड के कारण तो ये होता ही है, बट अगर इसकी टार्सल स्पोर्ट या हील स्पोर्ट बन जाए तो बेटर हो सकता है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक शॉर्टनिंग होती है, ऑपरेशन हो गया लिम्ब शॉर्टनिंग हो गई तो वो पूरी उम्र वो अनबैलेंस रहता है, तो उसकी वो हमारी एक नई हो जाएगी। बेसिक सब्जेक्ट्स में हमारे फिजिशियन बढ़िया फिजिशियंस हैं। इसमें मैं एक चीज़ और भूल गया बताना, हमारे इमरजेंसी में अभी हमारा एक इमरजेंसी रूम भी तैयार, रिसक्सीटेशन रूम भी तैयार हो गया है। कोई भी पेशेंट किसी भी चीज़ का आपातकालीन सिचुएशन में अगर हमारे पास पहुंचता है, चाहे वो चेस्ट पेन का हो, जिसको हम फर्स्ट इंडिकेशन कहते हैं हार्ट अटैक का आम भाषा में, या वो स्नेक बाइट का हो, या वो किसी RTA एक्सीडेंट का हो, या किसी फिट पड़ गया हो, उसको मैं ये आम भाषा यूज़ कर रहा हूँ टेक्निकल, उसके लिए हमारे यहाँ रिसक्सीटेशन रूम है अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ आर सीनियर मोस्ट फिजिशियन एंड द सीनियर मोस्ट एनेस्थियोलॉजिस्ट, एंड अगर पेशेंट की उम्र छोटी हो तो पीडियाट्रिशियन, वो सब टीम मिलके और सर्जन सब टीम मिलके उसको हम लोग स्टेबल करते हैं, उसका वो गोल्डन आर जो है ज़िंदगी उसको बचाते हैं। स्टेबलाइज करने के बाद वी मेक इट ए पॉइंट की ही इज़ रेफर्ड, एंड देन आफ्टर रेफरल ऑल्सो वी कीप ए की कि हम वो कहाँ तक पहुँचा, उसकी ठीक हुआ कि नहीं हुआ, जहाँ कोई हम वी लर्न फ्रॉम आर प्रैक्टिसेस, तो वो ऑडिट हमारा रेगुलरली चलता रहता है। तो ये ER इमरजेंसी रिसक्सीटेशन रूम हमारे यहाँ तैयार हो चुका है, तो इस हिसाब से एक सिर्फ एक पहले से ही सब कुछ था, उसको थोड़ा सा और थोड़ा सा मजबूत, और टीम जो है उसके कारण उसकी अब अच्छा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पर ये ह्यूमन है, ये इस पर कोई गारंटी नहीं ले सकता, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, कभी कभी लोग घर को ऑफिस में ले आते हैं और ऑफिस को घर में ले जाते हैं, तो वो मियां बीवी के झगड़े कभी पेशेंट के ऊपर भी निकल जाते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ पहले ही कि अगर कोई बिहेवियरल
डिस्कम्फर्ट किसी को मिले तो उसके लिए मैं पहले से माफ, और अगर उसको गुस्सा हो तो आके एक नंबर में मुझे गालियाँ निकाल सकता है. तो वी विल बी देयर फॉर हेल्प. वी आर ओवरवर्क नो डाउट. हमारा एक एक कंसल्टेंट 100 से ज़्यादा पेशेंट, मैं शायद कम बोल रहा हूँ पर 100 तो होता ही है, सेंसरी मारता है. और उसके बाद एडमिशन भी है ही हमारी. और सर एक चीज़ और बता दूँ, अब पीजी स्टूडेंट सिर्फ मेडिकल कॉलेज में नहीं है, हमारे यहाँ पर भी हैं. हमने DNB कोर्स यहाँ स्टार्ट किया था 2 साल पहले, और आज की डेट में एनेस्थीजिया डिपार्टमेंट में हमारे चार पीजी स्टूडेंट्स हैं और मेडिसिन में 2 PG स्टूडेंट्स हैं. तो हमारा जो स्टेटस हॉस्पिटल से इंस्टीट्यूट की तरफ जलता दिख रहा है. और इसके अलावा हमने गायनी और ऑप्थल्मोलॉजी में भी अपनी क्या कहते हैं उसको सबरदार रखी है कि शायद हमें इस साल हमें उसमें भी PG मिल जाएँ. तो उस हिसाब से एक पेशेंट केयर की बेटरमेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट्स का होना भी ज़रूरी है. और क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल पास में ही हैं, तो अगर हमें टर्शियरी केयर की भी है तो हम सेकेंडरी केयर ही, बट अगर टर्शियरी केयर की ज़रूरत भी हो बिसाइड्स की जो हमारे पास है, हम उनकी भी मदद टाइम टू टाइम लेते रहते हैं. इसके अलावा सर, इसके अलावा डॉक्टर नरेंद्र पटेल जी, मैंने खुद आके देखा है एज अ मीडिया वॉच डॉग, काफ़ी चेंज नज़र आती है. अब जब यहाँ आते तो पता लगता है कि यस वी आर इन ए ग्रेट गुड हॉस्पिटल. बिल्कुल साफ सफाई, हर स्टाफ है वो अपने पूरे एप्रिन में है लिखा, वो तो बड़ा पेशेंट को एक राहत मिलती है. बहुत से चेंज जो यहाँ पर आपने लाए हैं. आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर नरेंद्र पटेल, अलग अलग जगह आपने हेल्थ डिपार्टमेंट में सेवाएं दी हैं, आज तक जो आपने सेवाएं दी हैं कमान की हैं, सफलतापूर्वक रही. यहाँ पर चूँकि ये कुछ पोर्शन हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के अंडर है और कुछ डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के, दोनों एक ही साथ हैं, नया आयाम ये हॉस्पिटल दे रहा है, कुछ और आप करना चाहते हैं जो मन में इच्छा है मैं एक नया एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट नरेंद्र बुटियाल करूं, चाहूंगा दर्शकों को पता लग जाए. सर एक चीज़ मैं बीच बीच में भूल गया बोलना कि एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है वो हो रही है कि जो हमारा ब्लड बैंक था वो अपग्रेड हो रहा है और वो कंपोनेंट लैब बन रही है. उसमें अब 1.4 जाने बचा सकते हैं जो कि रूल ऑफ थंब था पहले भी, बट अब वो पहली बार मेडिकल कॉलेज से बाहर गांधीनगर हॉस्पिटल में स्टार्ट हो रहा है. और उसमें मैं उसको रिलेट कर देता हूँ डिजीज़ के साथ, क्योंकि अब हम डेंगू की तरफ निकल रहे हैं. डेंगू का आपको पता है हर साल हमारे कुछ हम जाने में, और हम लोग फुली मेडिकल कॉलेज पर डिपेंड होते हैं, पर अब प्लेटलेट्स आने वाले 1-1.5 हफ्ते के बाद हम लोग खुद यहाँ तैयार करेंगे और मेडिकल कॉलेज को भी उससे राहत मिलेगी. नो डाउट डायरेक्टली इनडायरेक्टली राहत तो उस बेचारे को है जो डेंगू से पीड़ित होगा. सर जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर इसमें मैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट आई एम डेजिग्नेटेड, दिस डेजिग्नेशन इज गिवन टू मी बाय गवर्नमेंट. तो जो गवर्नमेंट के सपने हैं उन्हीं को साकार करना मेरा अपना फर्ज है. आप करते हैं और अभी भी करेंगे. मेरा उसमें एडिशन जो होता है वो मेरे वजूद का है, मेरी सोच का है. बिल्कुल. प्रोग्राम्स जो है नेशनल प्रोग्राम्स हैं जो भी हम चला रहे हैं, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, हर जगह पे ऐसा ही करना होना चाहिए और हो भी रहा है, इससे अच्छा भी हो रहा होगा क्योंकि तभी तो डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज अपनी जगह. अब तो मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में बनने का सपना भी देखा गया है और हो रहा भी है सरकार. उस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि जितना मुझे मेरी कैपेबिलिटी है उसके ऊपर जो मेरा एटीट्यूड है, तो जो भी हमें ऑर्डर्स या डायरेक्शंस मिलेंगी हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे. हमारा प्राइम फोकस है जो तकलीफ़ में पब्लिक हमारे पास आती है, एटलीस्ट उसकी तकलीफ अगर हम दूर कर पाएँ, इससे बड़ा सपना मेरा नहीं है, इतना ही सपना है. डॉक्टर नरेंद्र बुटियाल जी ने आपको खुलकर बात कही और ये हॉस्पिटल एक नया आयाम दे रहा दिया था और भी देगा और आपके लिए फायदेमंद होगा. आपको धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की यही समाप्ति है. दर्शकों नमस्कार. For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.